कल आपने थ्री रूल्स पढ़े थे डिफरेंशिएशन के, वो थ्री रूल्स क्या थे मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। फर्स्ट था कि अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सेकंड, अगर आप किसी टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। और थर्ड था कि आप किसी टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं जिसके पास कुछ पावर हो, यहाँ क्या थी पावर वन थी, यहाँ पे कुछ पावर हो तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इन टू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे कल स्टॉप कर दिया था कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, आगे के रूल्स, उसमें रूल नंबर फोर थ्री पढ़े थे, रूल नंबर फोर। अब रूल नंबर फोर क्या कहता है कि टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो देखिए, आपके पास अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन x, सो डी वाई बाई डी एक्स मतलब साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, दैट इज cos x। नेक्स्ट, आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos x, तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है इसको विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये फंक्शन है उसका, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन x। इनको याद करना होगा। अगर आपने, आपके पास है y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अगर आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू cot x, तो dy वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें और भी आ जाएगा sec cosec, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर फाइव की, log का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको log दिया हुआ है, log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो दिस इज रूल नंबर फाइव, दैट इज आपको अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू log e बेस x, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर सिक्स, दैट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर, ये वैल्यू दी है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड डी वाई बाई डी टी। बात को समझिएगा कि आपसे डी वाई बाई डी टी पूछ लिया, लेकिन आपके पास क्या इक्वेशन दी है ये। अब देखिए, इस कंडीशन में अगर आप इसको, इस वाली इक्वेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पे टी का फंक्शन कोई नहीं है राइट हैंड साइड में, क्या समझ में आ रही है आपको बात। तो उस कंडीशन में आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखिए इस चीज को कि यहां पे एक्स जो है वो फंक्शन है किसका, वाई का, ठीक है, और सॉरी ये टी होगा, आई एम सॉरी टी होगा, और टी जो है वो फंक्शन है किसका, एक्स का। तो एक्स फंक्शन है वाई का, टी फंक्शन है एक्स का, तो इसका मतलब है हम वाई और टी के बीच में एक इनडायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी टी कैसे निकल के आ जाएगा, डी वाई बाई टी निकल के आएगा कि अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं एक्स को विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, एक्स को विद रेस्पेक्ट टू टी कर दूं, और सॉरी, तो फंक्शन कैसे निकल के आएगा कि मैं यहां पे y को डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन में मैं x को डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू t। तो आप देखिए एक चीज कि dx से dx कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, dy by dt। तो ये होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, कि जब आपको डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया होता, किसी और इक्वेशन में वो फंक्शन दिया होता है, तो आप
इस तरह से फंक्शंस को यूज करते हैं। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो d अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू डी अपॉन डी एक्स सॉरी डी टी, और ये हो जाएगा आपका एक्स की वैल्यू टू टी स्क्वायर। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स प्लस फाइव का जीरो। चलिए और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू टी स्क्वायर है तो स्क्वायर आगे आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर और ये टी, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई एट एक्स टी स्क्वायर। इट विल बी द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी, दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। और इस वाले रूल को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज चेन रूल। चेन रूल, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है, चेन रूल ही है। और ये काम कैसे करता है, मतलब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल कहाँ लगाना है, चेन रूल कहाँ लगाना है वो समझिए। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दो फंक्शन है, दोनों को आपको प्रोडक्ट करना है। लेकिन मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो देखिए एक टर्म अगर आगे मैं बढ़ूँ तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा थ्री एक्स सॉरी टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर वन बाई टू, ठीक है। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए आप, आपके पास एक तो होल की पावर वन बाई टू है और एक है आपके पास एक्स की पावर टू, तो दोनों में से किसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे और क्या दोनों का एक साथ करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम चेन रूल के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो पहले हम समझ लें कि कौन सा फंक्शन किसका है। तो देखिए वाई का जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स, और एक्स का फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर कंप्लीट है, और एक्स स्क्वायर का फंक्शन क्या है, 1 बाई टू, इसका होल का फंक्शन क्या है, 1 बाई टू। तो हम पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, देन डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो देखिए कैसे होगा ये, तो अगर आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए होल को, तो ये 1 बाई टू आगे आ जाएगा, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये 1 बाई टू आगे आ जाएगा, 1 बाई टू आगे आ गया, और आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे वैल्यू बचेगी आपके पास एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर वन बाई टू माइनस वन, तो ये हो गया वन बाई टू, ठीक है, सॉरी माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। अच्छा अब इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन करना है इसका, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर एक्स। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है चेन रूल में। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर सेवन, नेक्स्ट इज कि आपको दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करनी है, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जिनसे आप उसको दोनों ही वैल्यूज जो है किसी एक का फंक्शन जरूर होने चाहिए। तो देखिए आपके पास y इज इक्वल टू क्या है, u एंड v, u मल्टीप्लाई v, ठीक है, u एंड v आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपको क्या पता है, यहां पे आपको पता है ये कि u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। मुद्दे की बात है, फंक्शन अगर समझ में नहीं आता तो समझ लो कि यहां पे u और v में x के कोई टर्म होंगे, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड क्या करना है, dy by dx फाइंड करना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए dy by dx will be equal to, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इन दोनों में से कोई भी टर्म, फॉर एग्जाम्पल u, उसको आप एज इट इज रख दो, किसी भी एक को एज इट इज कर दो और डिफरेंशिएट कर दो दूसरे को x के रेस्पेक्ट में।
फिर आप दूसरे को एज इट इज रखो और डिफ्रेंशिएट कर दो पहले को एक्स के रेस्पेक्ट में, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लीजिए और समझिए। क्वेश्चन है आपके पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। ठीक है, और आपसे बोल दिया डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैंने इसको पहले एज इट इज रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के टर्म्स में, तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। अभी तो एज इट ही लिख दिया है, डिफ्रेंशिएट करूंगा। फिर आपने इसको एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स को एज इट इज रखा और डी अपॉन डी एक्स आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू को। ठीक है, तो देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एज इट इज, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर है, अलग अलग हुआ दोनों का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर में टू आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा टू एक्स, और सिक्स जो है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो प्लस क्या हो गया जीरो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स और यहां पे एक्स का स्क्वायर है तो टू आगे आ गया टू एक्स और ये टू जो है वो कॉन्स्टेंट है तो ये हो गया जीरो। चलिए तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ये तो जीरो है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करने के की बजाय देखिए 2x यहां पे और 2x यहां पे कॉन्स्टेंट है, 2x बाहर निकाल लिया तो आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, ये वैल्यूज आ गई, इनको आप एडअप कर दीजिए तो 2x इन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस एट, ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस वाले रूल को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, याद रखना नाम मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर एट, दैट इज कोशेंट रूल, कोशेंट रूल या डिवीजन। ठीक है, तो यहां पे क्या कंडीशन है, यहां y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको u अपॉन v, मतलब दो वैल्यूज है और कंडीशन क्या है u एंड v आर द फंक्शन ऑफ y, मतलब दोनों फंक्शन है y के। ठीक है, तो अब देखिए आपने निकालना क्या है, फाइंड y इज सॉरी फाइंड dy वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब क्योंकि u और v फंक्शन है वाई के तो ये दोनों फंक्शन हुए एक्स के। ठीक है, तो अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करते वक्त ध्यान क्या रखना है, आपके पास ये वैल्यू है न्यूमरेटर में और ये वैल्यू है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वी उसको आप एज इट इज रखिए और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप न्यूमरेटर की वैल्यू को डी यू अपॉन डी एक्स, उसके बाद माइनस साइन लगाइए। ठीक है, उसके बाद आप न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसको एज इट इज रखिए और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को और डिवाइड कर दीजिए आप वी स्क्वायर से, मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये आपका कोशेंट रूल है। एक क्वेश्चन फटाफट लेते हैं, क्वेश्चन है आपके पास वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दो वैल्यूज हैं आपको डिवाइड करना है। तो देखिए अगेन डी वाई बाई डी एक्स सॉल्यूशन, यहाँ पे आपने लगा दिया डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए डिनोमिनेटर आपने एज इट इज रखा और न्यूमरेटर पे को आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, आप न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा और ये फाइव एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स की पावर टू है तो टू आगे आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा टेन एक्स। चलिए माइनस माइनस आपने क्या किया, अब न्यूमरेटर को आपने एज इट इज रखा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और डिनोमिनेटर को आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो एक्स स्क्वायर है तो आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टू एक्स अपॉन, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देना है तो एक्स की पावर फोर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स क्यूब माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो टेन एक्स क्यूब ये भी हो गया प्लस का थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर, इससे ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया थ्री
अपॉन एक्स फोर या थ्री इंटू एक्स की पावर माइनस फोर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इट। कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल पे बेस्ड आपको वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर y इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्वेश्चन नंबर टू y इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर रूट टू। ये तो मैंने करवा दिया था, तो एक काम कर लो, इसको कर लो थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव एक्स माइनस वन। क्वेश्चन नंबर फोर y इज इक्वल टू टू रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर फाइव y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स या साइन क्यूब एक्स। सिक्स y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर एट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव प्लस एक्स टू अपॉन रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इन सभी का आपको डिफरेंशिएशन करके, अलग अलग मेथड से डिफरेंशिएशन होगा इनका, वो डिफरेंशिएशन करके आपको आंसर बताना है।